चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर ग्रेटर नोएडा से हमें मिल रही है। सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा वासियों को सौगात दी है। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज रहने वाली है। इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें वो शामिल होंगी। इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 1670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही वीआईपी के 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से यह खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर और 1 नवंबर यानी 2 दिवसीय दौरे पर हैं ग्रेटर नोएडा के। और इस दौरान पहले भी कई सौगात दे चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी ग्रेटर नोएडा को सौगात देने वाली हैं। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा को गंगाजल परियोजना की सौगात दी, इसके साथ ही डाटा सेंटर की भी सौगात दी है। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रहेंगी तो इंडिया एक्सपो के कार्यक्रम में तो शिरकत करेंगी ही, साथ ही इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी और साथ ही 1670 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण वो करने वाली है। साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में वो भी शिरकत करेंगे। वीआईपी के 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार चाहे हम सीएम की बात कर लें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के कई जिलों कई शहरों को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार सौगातें दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज ग्रेटर नोएडा को भी सौगात मिलने वाली है राष्ट्रपति के द्वारा और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ग्रेटर नोएडा को सौगात दी है। 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौरे पर रहने वाली हैं।